हजरत अली तमाम गजवात में शरीक रहे सिवाय तबूक के। तबूक में हुजूर ने उन्हें मदीने में छोड़ा अपने नायब की हैसियत, और जब उन्होंने शिकवा किया, उनके तो मिजाज से ही चीज बड़ी थी कि लोग जाएं और दादे शुजात ने मैदान जंग में और मैं यहां औरतों के साथ पीछे बैठ जाऊं। शिकवा किया हुजूर, हुजूर ने फरमाया कि अली क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि तुम्हारा ताल्लुक मुझसे वही हो जो हारून का था मूसा के साथ, सिवाय इसके कि मेरे बाद नबूवत नहीं है। यानी हजरत मूसा के नाइब की हैसियत से हजरत हारून थे तो वो भी नबी और रसूल थे, लेकिन तुम मेरी जगह हो तो मेरे साथ उसी मकाम पर, लेकिन नबूवत और रिसालत बाहर हाथ उसका दरवाजा मुझ पर बंद हो चुका है। लेकिन यही काम किया हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। बैतुल मुकद्दस जब गए हिजाज लेने के लिए बैतुल मुकद्दस का, तो किसको नाइब बनाया था? हजरत अली को रजी अल्लाह तआला अन्हु। कहां से हम मान लें कि इनके माबेन कोई बदएतमादी हो सकती थी? सोचिए तो सही, उस जमाने में कोई शख्स अपनी जगह छोड़कर अपनी जगह ऐसे शख्स को बिठाएगा जिसके साथ उसको एतमाद ना हो, जिस पर उसे पूरा वसूक और यकीन ना हो। लेकिन यह कि हजरत अली को दो मरतबा हजरत उमर ने अपना जानशीन बनाया, जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया, और मैं समझता हूं कि यह भी उमर फारूक का उस वह मोहम्मदी पर अमल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर हुजूर ने गज़वे तबूक के मौके पर अगर हजरत अली को मदीने के अंदर बिठाया था नाइब की हैसियत से, तो कैसे मुमकिन है कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला वो हुजूर के सुसरे पर अमल न करें। बैतुल मुकद्दस का सफर तबूक से भी कहीं आगे, यरूशलम जा रहे थे हजरत उमर, और कितना रहा होगा मदीने से आपके गैर हाजिरी का मामला? ये आजकल का मामला तो नहीं था, तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी। इस अरसे में तो अगर किसी के दिल में कोई और बात होती तो उसके लिए पूरा मौका था कि तख्ता उलट देता, लेकिन नहीं, माज़ अल्लाह, ये सब हम इन कहानियों को मानने के लिए तैयार नहीं, हम इन चीजों पर तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये बरबूत थे, ये एक बुनियाद मरसूस थे। ये सही है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अबू बकर से बात चीजों में शिकायत रही, और उस शिकायत के लिए उनके पास बात भी बुनियादी तौर पर सही थी। एक शिकायत यह थी कि खिलाफत का फैसला कर लिया गया, दरअसल हालांकि हम शरीक नहीं थे, हम तो हुजूर की तदफीन में रहे और यहां फैसला हो गया। लेकिन यह फैसला क्यों हो गया, हजरत उमर या हजरत अबू बकर ने नहीं किया? जब अंसार जमा हो गए सकीफा बनी सादा में और खबर यह आई कि वो तो तय कर रहे हैं मुआवला, और अगर एक मरतबा वो फैसला हो जाता फिर आपको मालूम है कि खून की नदियां भी बह जाती, तो गलत फैसला जो है उसको सही कराना मुमकिन ना होता। ये क्राइसिस जो है इस वजह से पैदा हो गया, हजरत अबू बकर के नाखून तदबीर ने उस क्राइसिस को हल कर दिया, उम्मत मुस्लिमा को बचा लिया एक बहुत बड़े फितने से। लेकिन उन्हें अगर शिकायत नहीं है तो शिकायत के लिए बुनियाद है। या हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला, वो चूंकि इस बात की कायल थी कि बागे खिदक मुझे मिलना चाहिए विरासत में, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के सामने हुजूर का ये कौल था कि नहनु माकरुल अंबिया ना नरसु वला नूरस, तो उन्होंने उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, तो एक शिकवा एक रंज सा रहा। ये हकायक है इंसानों के अंदर भी, वो बाहमी किसी वक्त रंजिश का पैदा हो जाना ये कोई बड़ी दस्तियात नहीं। चुनाचे सूरह हिजर की एक आयत है कि हम जब अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल करेंगे जन्नतियों को, तो अल्फाज आते हैं नजा ना माफी सुदूर मिन फिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, हम उनके दिलों में जो भी कोई रंजिशें होंगी वो निकाल लेंगे, और फिर जन्नत में वो बैठे होंगे आमने सामने एक दूसरे से के भाई बनकर। कोई रंजिश दिन में थी भी दुनिया में थी भी तो निकल चुकी है। और हजरत अली का कौल हमारी तफासीर में मनकूल है कि हजरत अली ने फरमाया ये आयत मेरे और मुआविया के बारे में नाजिल हुई है कि हमारे दिलों में अगर कोई एक दूसरे की तरफ से मैल आ गया है, अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करते हुए वो भी कुदूरत जो है वो मैल जो को निकाल दे। तो हमारा नक्शा तो सहाबा इकराम का ये है कि ये एक बुनियाद मरसूस थे, वक्ती तौर पर इंसानों के अंदर कोई शिकवा शिकायत पैदा हो जाना ये तो चीज वो है जिसको हम मान लेंगे, लेकिन कोई मुस्तकिल कुदूरत, कोई बोझ माज अल्लाह, कोई दुश्मनी एक दूसरे से, इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा यही वजह है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दो मरतबा हजरत उमर ने अपना जानशीन बनाया। जब हज पर गए हैं तो हजरत अली को इंचार्ज बनाकर गए, जब गए हैं यरूशलम तो भी हजरत अली को यहां पर नुमाइंदा बनाया। और एक बात और नोट कीजिए कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी उम्मे कुलसूम हजरत उमर के निकाह में आई है। ये कोई होने वाली बात थी अगर बाहमी मोहब्बत न होती? ये कोई होने वाली बात थी अगर बाहमी एतमाद और बाहम शिरो शिकर न होते?
अगर शिकायत भी थी तो मैं अर्ज कर चुका हूं वो हजरत अबू बकर से थी। अगर शिकायत कोई थोड़ी देर के लिए रही भी है कोई शिकवा, हजरत उमर से तो किसी शिकवे का हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि किस बुनियाद पर कोई शिकवा होता। तो ये जो एक बुनियाद मरसूस रहे, बल्कि जब मैंने अभी जिक्र किया था कि जब ईरान के महाज पर एक दफा जरा क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हुई है और हजरत उमर ने फैसला किया कि अब मैं जाऊंगा वहां महाज पर, तो हजरत अली ने रोका और यह फरमाया कि चक्की उसी वक्त तक पीसती है जब तक कि वो अपनी किल्ली जो है उसके ऊपर कायम रहे। आपका मकाम उस चक्की के उस किल्ली का है कि उम्मत मुस्लिमा की चक्की चलेगी अगर आप अपनी जगह पर कायम रहेंगे, अगर वो किल्ली अपनी जगह से हट गई तो चक्की चलेगी कैसे, लिहाजा आप ना जाएं। उनको मजबूर किया कि आप यहीं पर रहें, यहीं से बैठकर इस्लाम करें। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली के मशवरे को कबूल किया और अपने इरादे को फ़स्ख कर दिया। हमारा नक्शा ये है, और मैं जो बात आज बताना चाहता था वो ये है कि अहले सुन्नत के हां भी हजरत अली का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। वो लोग अहले सुन्नत के दायरे से खारिज है कि जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर किसी तरह का जबान तान जो है दराज करते हैं, किसी तरह से उनकी नीयत के ऊपर हमला करते हैं, किसी तरह से कोई इस तरह की जो उनके मकाम बुलंद से फरोतर बात है कोई उनके तरफ मंसूब करते हैं, मेरे नजदीक वो अहले सुन्नत से खारिज। वो नासबी होंगे या कोई खारजियों की कोई नस्ल है जो चली आ रही हो हमारे अंदर, लेकिन बहरहाल अहले सुन्नत के हाँ ये जान लीजिए, ये हमारा मुजमाल अकीदा है, तमाम नस्ल इंसानी में बुलंद तरीन तो अंबिया और रसूल है, वो तो सबसे ऊंचा है। उसके बाद उम्मत के अंदर सबसे अफजल, पूरी दुनिया के अंदर उम्मत में नहीं पूरी नस्ल इंसानी में बहैसियत जमात वो सहाबा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तमाम रसूलों में अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी मुसलमान को किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो इसमें शक व शुबा नहीं हो सकता। और फिर गैर नबी जितनी भी नस्ल आदम है अब आदम ता ईदम बल्कि ता कयाम कयामत उसमें अफजल तरीन बहसियत मजमूई वो सहाबा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन सहाबा में चोटी पर हैं ये चार अफराद, उनमें हमारे नजदीक तरतीब फजीलत तरतीब खिलाफत के साथ है अफजल हजरत अबू बकर, नंबर दो हजरत उमर, नंबर तीन हजरत उस्मान, नंबर चार हजरत अली। लेकिन गोया के बकिया तमाम सहाबा से तो अफजल हम मानते हैं हजरत अली को। अब अगर कोई शख्स हजरत अली की सीरत को दागदार कर दे आप सोचिए तो नतीजा कहां गया, बकिया तमाम सहाबा से तो अफजल है सबके नजदीक, अगर एक्सेप्शन होती है अहले सुन्नत के नजदीक तो तीन ही फर्द रह गए ना, हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान, बकिया तमाम सहाबा से तमाम सुलहाए उम्मत से तमाम औलिया अल्लाह से तमाम इमाम दीन से तमाम मुहद्दसीन से तमाम फुकहा से अफजल तरीन कौन है, हजरत अली। लिहाजा जबान को बहुत सोच समझ कर खोलना चाहिए। यहां जो है इस जनाब में कोई गुस्ताखी वो दर हकीकत अपने ईमान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। और जो लोग भी ये कोई करते हैं जुरत या हिम्मत, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरे नजदीक वो अहले सुन्नत के जुमले से खारिज। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए अलबत्ता, और वो ये है कि सहाबा किराम की तीन नस्लें जहन में रखी है। आमतौर